शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा और आज इस वार्ता में हम लोग क्रियाकलाप आधारित प्रमुख शिक्षण अधिगम संसाधनों के बारे में जानेंगे, इसके संप्रत्यय का विश्लेषण करेंगे और यह जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से क्रियाकलाप आधारित प्रमुख शिक्षण अधिगम संसाधन हैं जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारी टीचिंग में जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। एक एक करके हम इन शिक्षण अधिगम संसाधनों की चर्चा करेंगे और इसके गुण दोषों की विवेचना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो क्रियाकलाप आधारित प्रमुख शिक्षण अधिगम संसाधन होगा हमारे लिए, वो होगा नाटकीय रूपांतरण, जिसको कि हम ड्रामेटाइजेशन कहते हैं। ड्रामेटाइजेशन जो है शिक्षण अधिगम संसाधन है जो कि मूलतः प्रेरित करने के काम में आती है। यह विद्यार्थियों को प्रेरित करने की एक अच्छी रणनीति है। इससे विद्यार्थी जो है सीखने के प्रति, जानने के प्रति, नया करने के प्रति प्रेरित होते हैं। इस स्ट्रैटेजी का प्रयोग अध्यापक बहुत सहजता के साथ कर सकता है। इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण लाभ होता है शिक्षण अधिगम संसाधनों में नाटकीय रूपांतरण का, वह होता है कि कौशलों और आत्मविश्वास का निर्माण होता है। नाटकीय रूपांतरण से विद्यार्थी जो है अपने कौशलों को बेहतर बना पाता है और उसका आत्मविश्वास निर्मित होता है। वह आत्मविश्वास के साथ सीखने और नया करने की क्षमता में वृद्धि कर सकता है। अगली जो बात है, अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है नाटकीय रूपांतरण के लिए, ड्रामेटाइजेशन के लिए, वह है कि इससे छात्रों की समझ का आकलन किया जा सकता है। ये जो है विद्यार्थी कितने हद तक बात को समझे हैं, कितनी बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट्स को, संप्रत्यय को, विचारों को समझा है, उनको जाना है, इसके लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, उसको एसेस करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगली जो बात है वो नाटकीय रूपांतरण में जो वो महत्वपूर्ण है, वो है कला को जानने एवं कला के प्रति रुचि जागृत करने का अच्छा संसाधन है। जो महत्वपूर्ण चीज़ नाटकीय रूपांतरण के साथ होती है वो यह होती है कि यह क्रिएटिविटी को फॉस्टर करती है। वह नया सोचने, नया करने, नए तरीके से कोई नई बात कहने के हुनर को, की काबिलियत को पैदा करता है और ऐसा करने से जो विद्यार्थी है उसके अंदर कला के प्रति जो है वो बेहतर दृष्टिकोण पैदा होता है और वो कला को जानने और कला के प्रति उसकी रुचि जागृत होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नाटकीय रूपांतरण जो है एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमें प्रेरित करने के साथ साथ कौशलों और आत्मविश्वास का निर्माण तो करती ही करती है, विद्यार्थियों के समझ का आकलन और कला के प्रति एक दृष्टिकोण, एक बेहतर दृष्टिकोण डेवलप करने का भी काम करती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण शिक्षक अधिगम गतिविधि है वो है क्विज। क्विज जो है वो बहुत सामान्य तरीके से इस्तेमाल हो जाता है और यह बच्चों के अंदर एक तरीके से प्रतियोगिता करने की क्षमता पैदा करती है। इसीलिए इसे हम एक प्रतियोगी गतिविधि भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्विज में करते क्या हैं कि क्विज में एक प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न को पूछने के उपरांत समय दिया जाता है, एक निश्चित समयावधि दी जाती है और उस समयावधि में ही विद्यार्थी उसका उत्तर देता है। जो पहले उसका उत्तर देता है वो जीतता है और जो बाद में उत्तर देता है उसको द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान इत्यादि दिया जाता है। इसके कई तरीके हो सकते हैं इसके आयोजित करने के, यह शिक्षक पर निर्भर करता है, वह अध्यापक पर निर्भर करता है कि वह किस तरीके का क्विज आयोजित कर रहा है। तो पहली महत्वपूर्ण बात जो क्विज में हमने जानी वो ये कि यह एक प्रतियोगी गतिविधि है। दूसरी जो बात है वह यह है कि इससे बच्चों के अंदर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जागृत होती है और बालकों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, उनका इंक्विजिटिव वो बनते हैं, किसी भी चीज़ को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। यदि क्विज आयोजित करते रहें लगातार कक्षाओं में तो बच्चे अपने आसपास के वातावरण के प्रति, आसपास की चीज़ों के प्रति ज़्यादा सचेत होते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि यह प्रेरित करने की रणनीति है। यदि किसी बच्चे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया या द्वितीय स्थान प्राप्त किया
तो वह बेहतर करने के लिए कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में और अपने जीवन में, क्योंकि जीवन भी एक तरीके की प्रतियोगिता है, वहाँ बेहतर कर पाने में सफल और सक्षम होता है। इससे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। यदि कोई बच्चा बेहतर करता है तो निश्चित रूप से उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और वो जीवन में और बेहतर करने की कोशिश आगे करता रहता है उसी आत्मविश्वास के दम पे। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है छात्र के ज्ञान व सूझ का आकलन किया जा सकता है। यह एक ऐसी गतिविधि है, यह एक ऐसा तरीका है जिससे बच्चों के अंदर नॉलेज तो डेवलप होता ही है, इसके उनके अंदर इंसाइट भी डेवलप होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्विज एक प्रतियोगी गतिविधि है जिससे विद्यार्थियों के अंदर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा पैदा होता है, वो प्रेरित होते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके ज्ञान व सूझ का बेहतर आकलन भी किया जा सकता है। तीसरी जो गतिविधि है वह है समूह चर्चा, जिसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। किसी भी विषय वस्तु अथवा प्रकरण के बारे में छोटे समूह में चर्चा के द्वारा निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने की यह क्रिया है। इसमें ऐसा किया जाता है कि किसी विशेष विषय वस्तु पर हम एक सामूहिक चर्चा आयोजित करते हैं और उस सामूहिक चर्चा के आधार पर, उस ग्रुप डिस्कशन के आधार पर हम जो है निर्णय या निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। इसमें जो है लाभ यह होता है कि जितने भी लोग उस ग्रुप के डिस्कशन में, उस समूह चर्चा में प्रतिभाग करते हैं, उनको अपने विचार रखने का समान अवसर प्राप्त होता है और यह एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भी जागृत करता है कि एक दूसरे को सुनने के लिए धैर्य भी इसमें रखना होता है, इसलिए एक दूसरे की बातों के प्रति सम्मान का भाव भी प्राप्त होता है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इसमें एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है और एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलने के कारण हम लोग एक दूसरे के विचारों को से लाभान्वित होते हैं और उसका आदान प्रदान ज्ञान में समृद्धि तो करता ही है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है ग्रुप डिस्कशन के संदर्भ में कि इससे एक ग्रुप में काम करने के, एक समूह में काम करने की जो योग्यता है वो बनती है और सामूहिक रणनीति, यदि कोई ग्रुप टास्क है तो कैसे एक सामूहिक स्ट्रैटेजी के साथ, एक ग्रुप स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, यह भी इसमें अति महत्वपूर्ण होता है। अगली जो बात है वह यह है कि इसमें प्रश्न पूछने की आज़ादी होती है। यदि कोई पार्टिसिपेंट या विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो इससे उसके जिज्ञासु प्रवृत्ति को शांत किया जा सकता है और इसके साथ साथ पूछने और बोलने के द्वारा उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी तो होती ही है। अगली जो बात है वह यह है कि यदि एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो अध्यापक जो है उस ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा होते हुए भी, और यदि वो उस ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा नहीं है तो भी वो विद्यार्थियों को का आकलन कर सकता है, उनकी योग्यता का, उनकी प्रतिभा का आकलन कर सकता है और यह आकलन सामान्यतया अवलोकन के द्वारा ही वो कर सकता है। अगला जो है समस्या समाधान, जिसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, मतलब एक समस्या को सुलझाने के लिए एक या अधिक अवधारणाओं या सिद्धांतों या सूत्रों या आवश्यक जानकारी का उपयोग करके समस्या का हल खोजने की एक प्रक्रिया है। समस्या समाधान जो है वो एक किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए कई तरीके के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके, कई तरीके के थियरीज का इस्तेमाल करके, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके उसका समाधान खोजने की एक प्रक्रिया है। इसीलिए इस समस्या समाधान से, इस स्किल से जो खोज की प्रवृत्ति है, जो चीज़ों को ढूंढने और समझने की प्रवृत्ति है, उसका विकास होता है और विद्यार्थी जो है वो स्वगति से सीख कर आगे बढ़ता है, वो खुद से समस्या का समाधान करने की योग्यता पैदा उसके अंदर होती है, उसकी डिपेंडेंसी अपने टीचर पे, अपने घर वालों पे कम होती जाती है और वह नए नए समस्याओं का समाधान तमाम तरीकों से खुद ही करने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है कि बालक जो है वो अपनी रफ्तार के हिसाब से, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी समस्या का समाधान अपनी रीजनिंग के थ्रू बड़ी आसानी से कर लेते हैं, जबकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी गति थोड़ी धीमी होती है।
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है यह बच्चों को यह अवसर देती है कि आप अपनी गति के हिसाब से, आप अपनी स्पीड के हिसाब से, आप अपनी योग्यता के हिसाब से, आप अपनी क्षमता के हिसाब से, आप अपनी बुद्धि के हिसाब से सीख सकते हैं, समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ अगली जो अच्छी बात है वह यह है कि यह सूझ उत्पन्न करने के द्वारा ज्ञान में वृद्धि करता है। मतलब ये स्पून फीडिंग वाली प्रक्रिया नहीं है, इसमें बालक जो है, इसमें विद्यार्थी जो है खुद चीज़ों को समझता है और उनका समस्या समाधान करता है। अगली जो बात है वह यह है कि तर्क के आधार पे, लॉजिक के आधार पे, रीजनिंग के आधार पे निष्कर्ष तक पहुंचने की यह एक क्रिया है। रीजनिंग के आधार पे निष्कर्ष तक, कंक्लूजन तक हम पहुंचते हैं, जिसकी वजह से आपके तर्क करने की शक्ति, विद्यार्थियों के तर्क करने की शक्ति, लॉजिक एस्टैब्लिश करने की शक्ति जो है वो पैदा होती है। और जो आखिरी और महत्वपूर्ण चीज़ है वो यह है कि यह स्वज्ञान, जिसे कि हम सेल्फ नॉलेज कहते हैं, यह सेल्फ नॉलेज कराने की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे सेल्फ नॉलेज जो है खुद विद्यार्थी कर पाता है। अगला जो खास बात है, अगले मुद्दे पे जिस पे हम चर्चा करेंगे वह होगा वाद विवाद, जिसे हम आंग्ल भाषा में डिबेट कहते हैं। डिबेट क्या है, पहले यह समझने की कोशिश हम सब करते हैं। तो डिबेट जो है वो दो समूहों के बीच तर्क, जिसमें एक समूह विवादास्पद मुद्दे या थीम के लिए तर्क देता है और अन्य समूह अथवा विपरीत समूह उसी मुद्दे के खिलाफ तर्क देता है। जैसे कि यदि कोई भी विषय वस्तु है, उसमें जैसे कि यदि हम कोई भी विषय वस्तु लें, सामान्य विषय वस्तु लें, तो एक समूह जो है उसके पक्ष में तर्क देगा और एक समूह जो है उसके विपक्ष में तर्क देगा। यदि हम एक उदाहरण लें तो हम यह ले सकते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छा है या बुरा है, इंटरनेट का इस्तेमाल बेहतर है, यह एक विषय दिया गया। अब इंटरनेट के इस्तेमाल करने से लाभ होता है, इसके पक्ष में एक ग्रुप तर्क देगा, एक समूह तर्क देगा, और एक इंटरनेट के इस्तेमाल करने से लाभ नहीं होता है, इसके पक्ष में एक समूह तर्क देगा। तो इसी को हम डिबेट की संज्ञा देते हैं। इसका लाभ जो होता है वह यह होता है कि इसमें बोलने के अभ्यास को बल मिलता है, स्पीकिंग स्किल जो है वो डेवलप होती है, साथ ही साथ तर्क वितर्क के सम्प्रत्यय को समझने में सहायता मिलती है। किसी भी मुद्दे के, किसी भी संदर्भ को किस तरीके से समझा जाना चाहिए, उसका लॉजिक क्या है, उसका किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, उसके पीछे प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, उसको समझने की एक कला जो है, उसकी समझने की एक काबिलियत जो है वो विद्यार्थियों के अंदर पैदा होती है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि विचारों को स्वीकार करने और न करने के साथ ही साथ तथ्यों के स्पष्टीकरण एवं प्रामाणिकता का भी ज्ञान होता है। इसका लाभ ये होता है कि किसी सामने वाले का, यदि कोई सामने वाला तर्क, बेहतर तर्क दे रहा है, तो उसको स्वीकार करने की बात होती है, उससे एग्री करने की बात होती है। साथ ही साथ यह जो तरीका है वो रिस्पेक्टफुली डिसएग्री होने को की बात कहता है। यदि आप किसी से डिसएग्री भी हैं तो रिस्पेक्टफुली उससे डिसएग्री होइए। अगली जो बात है महत्वपूर्ण वह है खोज के द्वारा सीखना, जिसे हम लोग डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। अन्वेषण या खोज के माध्यम से सिखाना जो है एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। हम देखते हैं सामान्यतया कि अपने स्वयं के वातावरण के कई पहलुओं को खोज के द्वारा सिखाया जा सकता है, और लेकिन सामान्यतया हमारी कक्षा कक्ष परिस्थितियों में हम यह काम नहीं करते हैं और बच्चों को सीधे उत्तर दे देते हैं किसी भी समस्या का, किसी भी प्रश्न का। विद्यार्थियों को इसलिए प्रेरित किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों को इसलिए उत्साहित किया जाना चाहिए कि वो स्वयं के वातावरण के कई पहलुओं को, सामान्य पहलुओं को खोज के द्वारा सीखें। इसमें तथ्यों के अनुसंधान करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। जो भी तथ्य मिलते हैं, जो भी फैक्ट्स मिलते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करने का, उस पर रिसर्च करने की जो टेंडेंसी है वो डेवलप होती है। साथ ही साथ विश्लेषण एवं संश्लेषण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। इसमें अगली चीज़ जो है वो यह है
कि इसमें नवीन ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, कोई नया ज्ञान पैदा करने के लिए यह विधि सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। इसमें खोजने की चूंकि प्रवृत्ति आपके अंदर विकसित होती है, तो उस खोज के दौरान आप नई चीज़ खोज लें तो और बेहतर है, और इस प्रवृत्ति को इस संसाधन के द्वारा बल मिलता है। अगली जो शिक्षण अधिगम का जो संसाधन है वह है परियोजना। यह शिक्षण अधिगम का एक व्यावहारिक संसाधन है और जिसका उद्देश्य योजनाबद्ध रूप से निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। इसमें जो है करते क्या हैं, अध्यापक एक निश्चित लक्ष्य प्रदान कर देते हैं, एक टारगेट प्रदान कर देते हैं, एक गोल तय कर देते हैं, और इस परियोजना का, इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो उसी गोल की प्राप्ति है, उसी लक्ष्य की प्राप्ति है। परियोजना को सिंगल भी, किसी एक चाइल्ड को देकर भी, किसी एक बच्चे को देकर भी, किसी एक विद्यार्थी को देकर भी, या ग्रुप में भी किया जा सकता है। ग्रुप में यदि इसको किया जाता है तो इसका लाभ यह होता है कि यह सहयोग की भावना विकसित करता है। इससे क्या है, विद्यार्थी जो है एक दूसरे को सहयोग करने की उनके अंदर क्षमता पैदा होती है। इसके साथ साथ यह जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूर्ण निष्पक्षता के साथ निभाने का अवसर प्रदान करने का भी संसाधन है। इससे जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव विद्यार्थी के अंदर पैदा होता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का प्रयास करता है, तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जागरूक रहने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति सेंसिबल होने की एबिलिटी इससे पैदा की जा सकती है। इसके साथ साथ यह जो विधि है वो समय के सदुपयोग एवं समय के महत्व का ज्ञान कराती है। इसमें समय के सदुपयोग एवं समय के महत्व को ठीक तरीके से समझाया जा सकता है। यह जो है जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी का ज्ञान कराया जा सकता है। इसमें इससे होता क्या है, विद्यार्थी जो है वो अकाउंटेबल बनता है, वो जवाबदेह बनता है तमाम चीज़ों के प्रति। जब वो जवाबदेह बनता है तो जवाबदेह बनने से वह एक बेहतर इंसान भी बनने की तरफ उद्यत होता है। वह जवाबदेही उसके सामान्य जनजीवन का भी, सामान्य व्यवहार का भी हिस्सा बनती है। अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है क्षेत्रीय कार्य, अर्थात फील्ड वर्क। यह वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में जाकर के प्रासंगिक आंकड़े इकट्ठा करने और आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है। फील्ड वर्क का जो काम है वह बहुत महत्वपूर्ण है और यह इस बात पर बल देता है कि किस तरीके से व्यक्ति जो है, विद्यार्थी जो है, रियल लाइफ सेटिंग में जाकर अपनी लर्निंग के, अपनी एबिलिटी को साबित कर सकता है, या लर्निंग की एबिलिटी को, खोजने की एबिलिटी को, समाधान की योग्यता को डेवलप कर सकता है। इसका जो एक लाभ महत्वपूर्ण होता है वह यह है कि यह एक सोशल लर्निंग का भी प्रोसेस है। एक उदाहरण लें तो बात ज़्यादा स्पष्ट होगी। जैसे भारतवर्ष में अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है, यदि विद्यार्थियों का एक समूह इसी बात के लिए यदि निकले और वो एक गांव को जागरूक करने का जिम्मा ले, 10 विद्यार्थियों का समूह, कि हम फील्ड वर्क करेंगे सप्ताह में एक दिन या महीने में एक दिन या 3 महीने में एक दिन, और हम लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे, तो वह सामाजिक सरोकारों से सीधे जुड़ता है और सामाजिक सरोकारों के लिए वो जवाबदेह और जिम्मेदार भी बनता है। अगली जो बात है वह यह है कि समाज एवं सामाजिक क्रियाओं का ज्ञान कराने के लिए यह अति उपयुक्त संसाधन है। इस बात को समझने और ठीक तरीके से अपने कक्षा कक्ष में अप्लाई करने की आवश्यकता आज हम अध्यापकों को है। ये अच्छी चीज़ क्या है कि कक्षा कक्ष परिस्थितियों में जब हम कोई बात समझाते हैं विद्यार्थियों को, तो वह एक औपचारिक ज्ञान देने की बात होती है, वह एक औपचारिक ज्ञान देने की परंपरा है। लेकिन फील्ड वर्क से बच्चे जब फील्ड में जाते हैं तो अनौपचारिक ज्ञान भी वो प्राप्त करते हैं, जो कि जीवन भर उनके साथ एक पूंजी के रूप में, एक थाती के रूप में चलती रहती है। अगला जो महत्वपूर्ण है वह है प्रयोग, जिसे हम एक्सपेरिमेंटेशन की संज्ञा देते हैं आंग्ल भाषा में, जिसे हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोगों का संचालन करके यह एक सिखाने की प्रक्रिया है। जैसे पिछले 8 तरीकों में हमने जो सीखा उस
का यह एक इम्प्रूव्ड वर्जन भी माना जा सकता है। ऐसा इसलिए माना जा सकता है क्योंकि यह आपके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है और यह आपके अंदर हम इसके माध्यम से अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर पाता है, उसके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर पाता है और इसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है वह विश्लेषण की प्रक्रिया के उपरांत प्राप्त होता है। और प्रयोग करके प्रामाणिकता की जांच करने का शिक्षण अधिगम संसाधन, इसके द्वारा होता क्या है कि प्रयोग के द्वारा किसी भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी को एसेस किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग प्रयोग करके प्रामाणिकता की जांच करने का शिक्षण अधिगम संसाधन भी कहते हैं। यह सामान्यतया हमारे बीच में व्यावहारिक अध्ययन को प्रोत्साहित करता है और विज्ञान विषयों की लर्निंग में, विज्ञान विषयों की समझ विकसित करने में प्रयोग विधि का, एक्सपेरिमेंटेशन विधि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे हम भौतिक विज्ञान पढ़ाएं, चाहे हम वनस्पति विज्ञान पढ़ाएं, चाहे हम जीव विज्ञान पढ़ाएं, चाहे हम मनोविज्ञान पढ़ाएं, तो ऐसे विषयों को प्रयोग के द्वारा सिखाना जो है वह ज़्यादा बेहतर और लाभकारी होता है। अगली बात जो है और आखिरी बात प्रयोग विधि में है वह यह है कि यह सूझ विकसित करने का एक संसाधन है। इसके द्वारा विद्यार्थियों के अंदर इनसाइट डेवलप होता है और यह इनसाइट उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आगे के जीवन में भी। अगला जो तरीका है वह है संकल्पना मानचित्रण, जिसे कि कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। संकल्पना मानचित्रण क्या है, सबसे पहले हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे। संकल्पना मानचित्रण एक सामान्य विधि है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या समूह को सचित्र रूप में अपने विचारों का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। यह पदानुक्रमित ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। यह एक हायरार्कियल लर्निंग प्रदान करता है और यह ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करना, किस प्रकार से ज्ञान को सिस्टमैटिक तरीके से प्रदर्शित किया जाए, इसकी एक सिखाने की यह विधि है। इसमें जो और महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यह संप्रत्ययों के संबंधों का पता लगाने एवं संबंध निर्माण सिखाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगला जो तरीका है वह चित्रकारी है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है। यह बात शोधों में प्रमाणित हो चुकी है कि ड्राइंग एंड पेंटिंग और म्यूज़िक, यह दो बातें ऐसी हैं जिससे कि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। अरस्तु ने भी कहा है कि पेंटिंग और म्यूज़िक जो दो ऐसे हुनर हैं जिससे कि यदि हम जिसको यदि अपने सीखने और समझने का माध्यम बनाएं तो दैट इज़ अ नेचुरल टू अस, हमारे लिए यह बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। चित्रकारी के द्वारा कैसे हम लर्निंग और टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं, अब यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे। चित्रकारी जो है, ड्राइंग एंड पेंटिंग जो है, यह चित्र निर्माण करने की कलात्मक विधि है। यह एक आर्टिस्टिक मेथड है जिसमें चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है, अपना एक्सप्रेशन जो किया जाता है वह चित्र के माध्यम से पिक्टोरियल मेथड से किया जाता है। यह सृजनशीलता को सीखने और सिखाने का संसाधन है। इससे जो महत्वपूर्ण लाभ होता है वह यह होता है कि इससे व्यक्ति जो है वह सृजनशील बनता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होती है और क्रिएटिविटी के लिए सम्मान का भाव पैदा होता है। यह कल्पनाओं को जीवंत करने एवं विचारों को चित्रों के रूप में प्रदर्शित करने को सिखाने का इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें बच्चों के इमेजिनेशन की हाइट जो है, विद्यार्थियों के कल्पना करने की शक्ति को जो है एक नया बल, एक नई दिशा प्रदान की जाती है, जिससे विद्यार्थी जो है अपने जीवन में इमेजिनेशन के महत्व को समझ पाता है। और हम यह बात ठीक तरीके से जानते और समझते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार हमारी दुनिया में आज तक हुए हैं वो सब केवल कल्पना की उड़ान से ही संभव हुए हैं।
यदि किसी वैज्ञानिक ने यह नहीं सोचा होता कि आसमान में किसी चीज़ को उड़ाया जा सकता है, तो शायद हमें हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ देखने को नहीं मिलता। यदि किसी वैज्ञानिक ने पानी पर तैर सकता है कोई चीज़ इस बात की संकल्पना नहीं की होती, तो शायद स्टीमर और ये सब चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आती। तो इसलिए कल्पना के महत्व को चित्रकारी द्वारा, ड्राइंग एंड पेंटिंग के द्वारा एक आयाम दिया जाता है। इसमें अच्छी जो बात होती है कि ज्ञान को कहने की बजाय इस ज्ञान को प्रदर्शित करने की विधि है। यह बात शोधों में प्रमाणित हो चुकी है कि जो चीज़ हम लोग सुनते हैं उनसे ज़्यादा प्रभावकारी वो लर्निंग होती है जो कि हम खुद आँखों से देखते हैं या खुद हम करते हैं। तो इसमें क्या है पेंटिंग से कि विद्यार्थी जो है चीज़ों को खुद देखता है, और जब चीज़ों को वो देखता है तो वह उसके लिए एक स्थायी ज्ञान का काम करता है। वह स्थायी ज्ञान जो है उनके साथ एक स्थायी ज्ञान जो है उनके लिए एक संबल का काम करता है, और वह जीवन पर्यंत उनके साथ रहता है। अगली बात जो महत्वपूर्ण मैं कहूँगा, जो कि यह प्रदर्शित करने की बात है, इसमें एक उदाहरण लेने की आवश्यकता है कि विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी का जो नमूना है, जैसे लियोनार्डो द विंची ने मोनालिसा का ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगली जो विधि है वह कठपुतलियों का निर्माण है। कठपुतलियों के निर्माण से क्लासरूम में रोचकता आती है। अगली विधि जो है, 13वीं विधि जो है, वह रंगीन कागज कला निर्माण है, जिसमें कलर पेपर आर्ट मेकिंग है। चौदहवां जो है वह पुरानी पत्र पत्रिकाओं व अखबारों से कोलाज आदि का निर्माण करना है। पुरानी पत्र पत्रिकाओं से जब कोलाज का निर्माण करता है कोई व्यक्ति, तो यदि वह नोटबंदी, यदि एक विषय लें विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र में, यदि नोटबंदी के बारे में बताना है, तो उसके गुण दोषों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस समय के अखबारों की प्रतियां उसको दे सकते हैं, और यह कह सकते हैं कि इसमें से चित्र इकट्ठा करके, इसमें से मटेरियल इकट्ठा करके आप एक कोलाज का निर्माण करें, और वह कोलाज जो है उनके लिए ज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। अगली बात जो हम करेंगे वह करेंगे कक्षा में प्रौद्योगिकी संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में। आज का युग जो है वह प्रौद्योगिक संसाधनों का युग है, और प्रौद्योगिक संसाधनों का युग होने के कारण हम देखते हैं कि संगणक हो गया, जो कि बहुउपयोगी युक्ति है, मोबाइल हो गया, यह भी एक बहुउपयोगी युक्ति है। इन सब का इस्तेमाल जो है आज की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तीसरा इस्तेमाल जो है वो ब्लॉग का उपयोग भी आजकल किया जा रहा है। ऑनलाइन ब्लॉग बनाकर हम अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं। वायरलेस माइक्रोफोन है, एक निश्चित दूरी तक बिना तारों के अवरोध के बोल एवं सुनकर अध्ययन करवाने की यह युक्ति है। इसके अलावा ऑनलाइन प्रोजेक्टर है। ऑनलाइन प्रोजेक्टर के द्वारा जो है हम विभिन्न वेबसाइट्स पर उपलब्ध वीडियो, ऑडियो, लेक्चर को बड़े आकार व उच्च सुन सकने की योग्य ध्वनि के साथ पढ़ा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल ब्लैक बोर्ड का भी ट्रेंड आजकल है। अच्छे स्कूल्स में डिजिटल ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल ब्लैक बोर्ड से अध्यापक के द्वारा अध्ययन के दौरान ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए नोट्स को पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क अथवा अन्य किसी स्टोरेज युक्ति में सुरक्षित कर किया जा सकता है। अगली जो बात है वह है ईपीडियास्कोप। ईपीडियास्कोप क्या है यह जरा सा हम देखेंगे और समझेंगे। ईपीडियास्कोप जो है वह, यह एक अपारदर्शी ओपेक किस्म का वस्तुओं को बड़ा करके प्रदर्शित करता है, तो यह ईपीस्कोप कहलाता है। और जब यह पारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके प्रदर्शित करता है तो इसे डायोस्कोप कहते हैं। इसका भी इस्तेमाल आजकल खूब ज़्यादा हमारी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में किया जा रहा है। इस प्रकार से इस पूरी चर्चा में हमने यह देखा कि क्रियाकलाप आधारित प्रमुख शिक्षण अधिगम संसाधन कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोगों ने नाटकीय रूपांतरण, क्विज, समूह चर्चा, समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, खोज के द्वारा सीखना, परियोजना विधि, क्षेत्रीय कार्य जिसे फील्ड वर्क कहते हैं, प्रयोग जिसे एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं, संकल्पना मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग, चित्रकारी, कठपुतलियों का निर्माण, रंगीन कागज कला निर्माण, पुरानी पत्र पत्रिकाओं व अखबारों से कोलाज बनाकर कैसे हम बेहतर तरीके से अपने कक्षा कक्ष परिस्थितियों को रोचक रूप दे सकते हैं, और किस प्रकार से कक्षा में प्रौद्योगिकी संसाधनों का प्रयोग, जिसमें कि संगणक, मोबाइल, ब्लॉग का उपयोग, वायरलेस माइक्रोफोन, ऑनलाइन प्रोजेक्टर,
डिजिटल ब्लैक बोर्ड, एपीडियास्कोप इत्यादि हैं के प्रयोग से हम कक्षा कक्ष को ज़्यादा बेहतर, रोचक और ज्ञान केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर हम किसी नए विषय के साथ आपका मिलेंगे। नमस्कार।